हेलो भाई, हेलो बहन, मेरा प्रश्न तुमसे बिल्कुल साफ और सीधा है। जो बीत गया उसके बारे में पछताना चाहते हो, या फिर जो समय है जितना भी है उसमें अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, सैंपल पेपर देना चाहते हो, करना क्या चाहते हो? अगर तुम दूसरा विकल्प चूज कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ तुम्हारा प्यारा भाई। इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो, दैट मींस कि तुमने सेकंड ऑप्शन चूज किया है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तब से तुम अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करके मचा सकते हो। बाय द वे, ये सारे स्टेप बहुत कम है और इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टेप नंबर 3 है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअली करना क्या है। लर्नर्स, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज तुम्हें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, 4-स्टेप सॉल्यूशन है। स्टेप नंबर 1 जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, मेरा फेवरेट वाला स्टेप नंबर 4, पहला स्टेप। और अच्छा, बोनस स्टेप रिसोर्सेस भी देने वाला हूँ तुम्हें मैं इसी वीडियो में, ध्यान से सुन लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है। इसी वीडियो में मैं तुम्हारे साथ रिसोर्सेस भी शेयर करने वाला हूँ कि कौन से रिसोर्स से क्या करना है। तो एक वीडियो हर एक चीज का सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आपको सेल्फ ट्रस्ट करना पड़ेगा। भाई तुम बोलोगे सर जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर नहीं हुआ कि सेल्फ ट्रस्ट से आप बोलना क्या चाह रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो जी? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि जितना भी समय बाकी है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है ना, जितना भी समय बाकी है उतने समय में तुम कर लोगे। ये सेल्फ ट्रस्ट तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई और नहीं दे सकता है, तुम्हें खुद से खुद पे सेल्फ ट्रस्ट करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं। ज्यादा ध्यान रखना है वो है कि इंपॉर्टेंट चीजें पहले कवर करनी है। बिल्कुल तुम्हारे मन में ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। डियर, तुम्हें कैसे पता चलेगा? अरे भाई, तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल, वहां स्कूल के टीचर से पूछो। तुम ट्यूशन जा रहे हो, वहां पे टीचर, ट्यूशन के टीचर से पूछो। नहीं जा रहे हो, इजी लर्निंग में ज्वाइन करो। मैं पर्सनली तुम्हें हर एक चीज का इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अपना पर्सनल नंबर शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, और पर्सनली बताऊंगा कि क्या चीजें पहले करनी है। ट्रस्ट मी, ये मेरा वादा रहा। जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट पहले करो। और अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो इजी लर्निंग पे, और तुम्हारे स्कूल और ट्यूशन के टीचर्स बताने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, उससे पिछले साल, पिछले 5 साल का तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं डेफिनेटली तुम्हें आने वाले वीडियोज में सिखाऊंगा। अगर तुम्हें उसकी नीड है तो नीचे लिख देना, बट समय बितकार करने से अच्छा है कि टीचर्स की हेल्प ले लो या फिर इजी लर्निंग ज्वाइन करो। थर्ड स्टेप, मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूं इसको, 7 डेज का चैलेंज लो। तुम बोलोगे सर कि ये जो आपने 7 डे चैलेंज लिख दिया है, ये 7 डे चैलेंज आखिर लेना क्यों है? ये 7 डे चैलेंज तुम्हें इसलिए लेना है कि तुम ठान लो कि अगले 7 दिन तक ना मैं एकदम सुपर कंसिस्टेंट रहने वाला हूं। मैं क्या कह रहा हूं, अगले 7 दिन तक मैं एकदम सुपर कंसिस्टेंट रहने वाला हूं, और अगर मैं 7 दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है कि मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, पेरेंट्स की, टीचर्स की, या किसी और की। सही बात है। अगर पेरेंट्स, स्कूल टीचर, या फिर अगर तुम ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो वहां से अगर नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली इजी लर्निंग में आओ, मैं पर्सनली हेल्प करूंगा आपकी, ये मेरा वादा रहा। करूंगी नहीं, करूंगा, ये मेरा वादा रहा। फोर्थ सॉल्यूशन क्या है? फोर्थ स्टेप सॉल्यूशन में फोर्थ है, लिमिट योर रिसोर्सेस। तुम बोलोगे सर ये आपने कह तो दिया कि लिमिट योर रिसोर्सेस, पर पंगा सर ये पड़ रहा है कि कौन से रिसोर्सेस यूज करने हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल इसी प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देने वाला हूं कि तुम्हें कौन से रिसोर्सेस यूज करने हैं इस वीडियो में आगे जा करके। टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, कौन सा होगा, कहां से होगा, किस पब्लिकेशन का होगा, कहां पे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अब तक कहीं ट्यूशन नहीं जा रहा और उससे नहीं हो पा रहा है यूट्यूब वगैरह से, या फिर कहीं ऑफलाइन ट्यूशन जा रहा है फिर भी उससे नहीं हो पा रहा है, या फिर स्कूल वगैरह से नहीं हो पा रहा है, तो उन बच्चों के लिए इजी लर्निंग में जो हमारा बैच है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। हमारा एक सुपर से भी ऊपर बैच है, और उस बैच का नाम है बच्चों आरंभ बैच। उसमें ये सारे टीचर हम संस्कृत भी
सिखाते हैं। ये बैच के बेनिफिट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कि लाइव क्लासेस होते हैं, जितने भी बैच में क्लासेस होते हैं वो सारे के सारे आपके लाइव होंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप मोबाइल पीसी टैबलेट कहीं से भी इसको अटेंड कर सकते हो, चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पर्सनल मेंटरशिप जो मैं आपको वादा कर रहा था कब से कि मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, हर एक बच्चे की मैं हेल्प करता हूँ, हर एक बच्चे के पास मेरा नंबर है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ना, जो रिसिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मैं किसी को रिसिप्ट बना के तो देता नहीं हूँ, उस रिसिप्ट पे मेरा पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन होता है। अब मैं और इससे ज्यादा क्या बोलूँ आपको, आप ज्वाइन करोगे आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन वीडियो बना के डाला हुआ है, ऐप का सब कुछ है, बताता हूँ आगे, ठीक है ना। रिवीजन वगैरह सब कराएंगे एग्जाम से पहले, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो बीत गया उसको छोड़ो, जो समय है उसको यूटिलाइज करो। 15,000 प्राइस है, मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो आई हैव अ कूपन कोड फर्स्ट 100 बच्चों के लिए, ये केवल 7,500 में हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा एक टेस्ट सीरीज है 499 का, वो टेस्ट सीरीज आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इन द 7,500 ओनली, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, हो गया ना सोने पे सुहागा ऑफर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका सारा बैकलॉग वगैरह कवर करेंगे। हमारे बैच में खास बात है कि हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस होते हैं, आप लैपटॉप वगैरह से भी ज्वाइन कर सकते हो, तो ऐसा एक बटन दिखेगा, ये बटन का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप अपने डाउट्स को 1-to-1 पूछ सकते हो डायरेक्ट जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उनसे, ठीक है ना। और सेम आप चैट वगैरह भी कर सकते हो, अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो इंक्वायरी पर्पस से, और इस क्यूआर कोड को हम भेज देंगे, इस क्यूआर कोड पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन करके आप 7,500 पे कर सकते हो। एक यूनिक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा जो कि जहाँ से आप जाके पेमेंट कर सकते हो। ये यूनिक लिंक जब आप खोलोगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा, नाम, ईमेल आईडी, नंबर डालना है। और क्या होता है कि कई बार आप यूज कर रहे होते हो, आपके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी पेमेंट करते हैं, तो वो यूनिक लिंक उस पर्पस से वहाँ पे पेमेंट करो, या फिर वो क्यूआर कोड भी इसी पर्पस से, जो ये क्यूआर कोड है वो भी सेम इसी पर्पस से, इस नंबर पर आके कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न हो तो। चलिए अब देखो, यहाँ पे मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी, अब आ जाते हैं रिसोर्सेज वाले बात पे कि भैया रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे प्रिपेयर करना है, देखो इजी लर्निंग तुम ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट 100 बच्चों के लिए डिस्काउंट भी दे दिया, टेस्ट सीरीज भी फ्री दे दिया, अगर तुम आ जाओगे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का कोर्स भी फ्री दे दूंगा, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखो, मेंटोरशिप तो दे ही रहा हूँ। तो रिसोर्सेज क्या क्या यूज करना है, ध्यान से सुनना रिसोर्सेज के बारे में, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार ही पॉइंट रखा है मैंने, चार में काम हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो पहला रिसोर्स तुम्हें वीडियो लेक्चर्स यूज करना है, तुम बोलोगे भैया वीडियो लेक्चर्स कौन से। अब देखो, जैसे कि अगर आप इजी लर्निंग पे आओगे, हमारा ही शुभम झा हमारा चैनल है, ठीक है, या फिर इजी लर्निंग पे अगर आप ज्वाइन करते हो, तो जैसे इस पे आ गए आप, तो ये देखो बहुत सारे साइंस वन के पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है, साइंस टू के पूरे पढ़ा रखे, सोशल स्टडी पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको वीडियो लेक्चर्स यूज करने हैं जहां पे सब कुछ आपको मिले, पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इस ऐसे जगह पे जाना है जहां पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बटा बटा इधर उधर से, एक ही जगह पे सब कुछ होना चाहिए। साइंस सोशल स्टडी जैसे यहाँ पे वो इस तरीके से एक ही जगह पे सब कुछ हो जाए, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अवर बैच, कहीं ट्यूशन जा रहे हो तो वहाँ के रिसोर्सेस यूज करो, वीडियो लेक्चर्स के आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको, बार बार चीजों को देख सको, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज द गोल यहाँ से। टेक्स्ट बुक आपको आपके पास होना चाहिए, बाल भारती वाला टेक्स्ट बुक, वैसे अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे जो कि easylearning.live है। अच्छा, तुम लोगों को मैं ये बात तो बताना ही भूल गया, मुझे मेन ये बात बतानी थी वैसे, बट ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इतना मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर तुम हमारे रिजल्ट्स को देखोगे, अगर आप हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखेगा, ये देखो ये हमारे रिजल्ट्स हैं, मतलब मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। 76 स्टूडेंट ने 90% से ज़्यादा स्कोर किया, 113 बच्चों ने 85% से ज़्यादा स्कोर किया, 13 बच्चे ऐसे जिनको फर्स्ट रैंक मिला है, ठीक है, तो ये हमारे से बैच से पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो हवे में नहीं है, ये सारी बातों का कोई अपना एक सिग्निफिकेंस है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। तो भाई साहब हम कहाँ पे थे कि आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है, वैसे अगर आप हमारे ही वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है ना, नॉर्मली तो यहाँ पे फ्री मटेरियल दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा एक वो अपडेटेड टेक्स्ट बुक, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप ई बाल भारती के वेबसाइट पे चले जाओगे जो कि मेरे पीछे दिख रहा है, और इस ई बाल भारती के वेबसाइट पे भी आपको सारे टेक्स्ट बुक मिल, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको पता ही है कि आपके टेक्स्ट बुक कौन सा है। उस टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इंटेक्स टेक वक्त के लिए छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज को एकदम थरोली करके रखना है, एकदम थरोली करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल कर लेना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन पे मैंने डाल दिया है, जी हाँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है इजी लर्निंग, यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे ना आपको एक बैनर जैसा दिखेगा जिसपे लिखा होगा फ्री मटेरियल, वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको फोल्डर्स वगैरह में अरेंज करके सब कुछ डाला हुआ है। सेम चीज़ आप हमारे वेबसाइट के भी फ्री मटेरियल से एक्सेस कर सकते हो, बट एप्लीकेशन है ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे अपडेटेड वाला है, यू शुड ट्राई दैट, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यूज करने महाराष्ट्र वाले, और सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर के लिए मैं तुम्हें एब्सोल्युटली रिकमेंड करूंगा कौन सी बुक, देखो
अब यहां पे ये जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये जो सैंपल पेपर है, अगर एक जगह मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। बात को समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर अगर एक जगह मिल जाए, और देखो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे तो उसका सॉल्यूशन तुम्हें बार बार ढूंढना पड़ेगा, नोटबुक में लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व फॉर्मेट में और सैंपल पेपर आंसर्स के साथ मिल जाए कि क्रॉस चेक करने में आसानी हो, तो सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा। तो उसका जो सॉल्यूशन है मेरे पास वो है तुम्हारे लिए ओसवाल वाली बुक, ठीक है ना। तो ये बुक मैंने कई बार बच्चों को रिकमेंड किया, आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये बुक है ओसवाल के, गुरुकुल ओसवाल। तो ये इंग्लिश मीडियम का अलग है और सेमी इंग्लिश मीडियम का अलग है। इसमें सैंपल पेपर भी आपको मिल जाता है, आपको सॉल्व सैंपल पेपर, ये सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाता है और सैंपल पेपर भी मिल जाता है, दोनों चीजें मिल जाती है। और अच्छी बात यह कि आप इसको अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया बाय द वे। अब जैसे यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करोगे एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लुक इनसाइड का। इस लुक इनसाइड पे क्लिक करने के बाद आपको ये बुक का एक क्या बोलते हैं सैंपल मिल जाएगा पीडीएफ। तो आप इसको डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर सकते हो कि आपको आइडिया आ जाए कि बेसिकली बुक के अंदर क्या है नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट है, 5 साल के सॉल्व पेपर्स हैं और साथ ही साथ सैंपल पेपर्स भी। तो सबसे बढ़िया है ये बुक, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जा रहा है 5 साल का और सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व मिल जा रहा है। तो इन रिसोर्सेज के अलावा आपको कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, वीडियो लेक्चर्स के लिए तुम अगर ट्यूशन वगैरह जा रहे थे, स्कूल वगैरह से पढ़ के हो रहा है, नोट्स वगैरह है तो वहाँ से काम हो जाएगा, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर तुम हमारा बैच ज्वाइन करते हो, जैसे आरंभ 3.0 ज्वाइन करते हो, तो टेक्स्टबुक और एक्सरसाइज तुम्हारे पास ऑब्वियसली होगा, नहीं तो आई विल टीच यू इन द बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर एक जिस बुक से मिलेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ओसवाल वाला, उसको डेफिनेटली ट्राई करना। SJ10 एक कूपन कोड है, लगा के देखना, अगर कुछ ही बच्चों के लिए है वो, अगर ओसवाल वाले वेबसाइट से लोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। इसके अलावा आप ऑफलाइन बुक स्टोर पर भी ट्राई कर सकते हो उस बुक के लिए, तो दैट में भी हेल्पफुल, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेस हैं, वो सारे स्टेप्स थे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर इजी लर्निंग ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इजी लर्निंग पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमेशा इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, विल आंसर दिस कॉल। और जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उस, मैं पर्सनली वादा कर रहा हूँ कि जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो आने वाले उस टाइम को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। दैट्स माई पर्सनल प्रॉमिस टू यू। हैप्पी लर्निंग।